हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शॉर्टकट लाइफ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे। सो जो आज की वीडियो है वो एक ऐसे टॉपिक पर है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिटनेस के बारे में, बॉडी के बारे में। और जो आज का स्पेसिफिक टॉपिक है वो ये है कि व्हाई वी शुड वर्शिप आवर बॉडी एंड हाउ वी कैन डू इट। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ पॉसिबल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई रियली नीड योर सपोर्ट एंड योर सब्सक्रिप्शन एंड योर लाइक्स एंड योर शेयर विल मोटिवेट मी टू मेक मोर सच कंटेंट। So let's start the video. When I was a child, my mom used to tell me that your body is like a temple. इसका ध्यान रखो। और वो हर रोज मुझे सुबह उठाती थी और बोलती थी go for morning walk और do some yoga. मैं भी रोज सुबह उठकर जाता था walk के लिए, yoga के लिए, but sometime I used to skip just because of laziness. और मैं अपनी मम्मी को बोलता था कि हम मंदिर रोज रोज थोड़ी जाते हैं। एंड आई थिंक आई स्टिल सपोर्ट माई स्टेटमेंट एंड आई स्टैंड बाई इट डैट आर बॉडी इज नॉट अ टेम्पल, रादर आई वुड से इट इज़ द मोस्ट कम्फर्टेबल प्लेस वी लिव इन। व्हेन नोबडी विल बी देयर फॉर यू, योर बॉडी विल बी। इफ योर बॉडी इज हेल्दी, यू कैन अचीव ऑल हाइट्स ऑफ सक्सेस इन दिस वर्ल्ड। बट देर इज नो मीनिंग ऑफ सक्सेस व्हेन यू आर नॉट हेल्दी इनफ टू एन्जॉय दैट सक्सेस। सो आई थिंक हम अब अच्छी तरह समझ चुके हैं कि वाई वी शुड वर्शिप अ बॉडी। ट्रस्ट मी गाइज, योर बॉडी शुड नॉट बी लेस देन एनी गॉड फॉर यू। एंड इट रियली डजेंट मैटर वेर एवर यू आर इन लाइफ, इवन इफ यू आर एट जीरो, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट फ्रेश। बट योर मेंटल हेल्थ एंड योर फिजिकल हेल्थ शुड ऑलवेज बी इन योर फेवर। ये समझने के लिए कि हाउ वी शुड वर्शिप अ बॉडी, हमें दो पहलू समझने पड़ेंगे। फर्स्ट वन इज मेंटल हेल्थ एंड द सेकेंड वन इज फिजिकल हेल्थ। आई रियली रिग्रेट टू से दिस थिंग, बट इन आर सोसाइटी मेंटल हेल्थ को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। एवरीबडी इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट मेंटल हेल्थ, बट आई पर्सनली फील मेंटल हेल्थ इज वे मोर इम्पोर्टेंट दैन फिजिकल हेल्थ, बिकॉज आर ईच एक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव, इज डिसाइडेड बाय आर माइंड। And to nourish your mind, I would suggest you please find a hobby, be it reading, writing, or spending time with your pets, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको खुशी मिलती है, और anything which adds value to your life, आपको वो start करनी चाहिए। और जहाँ तक रही physical health की बात, उसको भी हम दो part में divide करेंगे। First one is diet. सो द डाइट की बात करते हैं, सो अवॉइड हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रोसेस फूड, और जो भी खाना पैकेट्स में आता है प्लीज़ अवॉइड इट। एंड प्लीज़ स्टार्ट हैविंग रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जितना भी आप खा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ स्टार्ट हैविंग इट। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि डाइट को समझने के लिए, जो भी डाइट के नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, मैजिकल डाइट आ रही हैं, आपको 10 दिन में पतला कर देंगे, 20 दिन में मोटा कर देंगे, या whatever it is, these all are the traps and please do not fall for it. ये डाइट फॉलो करके आप अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे हैं लॉन्ग टर्म में। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू नॉट टू गो फॉर इट। एंड नाउ वील टॉक अबाउट फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज, वट एवर वी शुड डू इन ऑर्डर टू बी हेल्दी। एंड आई फील लाइक एक्सरसाइज सिंपली मीन्स यूजिंग योर बॉडी। एंड आई स्ट्रांगली फील अगर हम अपनी बॉडी को 20 मिनट नहीं दे सकते, सो आई वुड से वी रियली डोंट हैव एनी राइट टू ओन आर बॉडी। टू कीप योर सेल्फ हेल्दी और फिजिकली एक्टिव, ट्रस्ट मी, यू डोंट नीड टू गो टू एनी जिम, नीदर यू नीड एनी इक्विपमेंट। वट यू नीड इज प्योर हंगर टू बी हेल्दी। आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, वट एवर इट इज, इट माइट बी रनिंग, इट माइट बी वॉकिंग, योगा और सिंपल पुशअप्स, जो आप कहीं पे कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू टेक एटलीस्ट 60 मिनट्स ऑफ सनलाइट इन ईच वीक, एंड इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ मैनी डिजीजेज बाई 30%। और ये फ्री भी है गाइज, यू डोंट नीड टू गो एनी, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू सिट इन द सनलाइट, दैट्स इट। This is the biggest gift of the nature which we have.
एंड आई फील कि ये सब बातें जो मैंने आपको बताई हैं, जो आपसे शेयर की हैं, आपको मोटिवेट करेंगी दैट आपकी बॉडी आपकी दुनिया है और ये आपके साथ रहेगी आपके मरते दम तक. सो आई विल रैप अप दिस वीडियो एंड सो प्लीज स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर बॉडी, स्टार्ट लविंग योर बॉडी, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, टेक केयर.